हाय फ्रेंड्स, आज अपन सीखेंगे रेनुनकुलस के पौधे को गमले में कैसे लगाएंगे। नर्सरी से मैं दो पौधे खरीद के लाया था, एक रेड कलर का है एक वाइट कलर का है। ये दोनों पौधे मेरे को 40-40 रुपए के मिले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। तो पोटिंग मिक्स की बात करते हैं अपन। तो पोटिंग मिक्स में अपन जो नॉर्मल गार्डन सोइल है वो लेंगे, कुछ फंगिसाइड पाउडर है, यूरिया है, मैग्नीशियम सल्फेट है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सब ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अपन अपना पोटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, पोटिंग मिक्स के अंदर अपन जो नॉर्मल गार्डन सोइल है इसके अंदर ये 30% वर्मी कंपोस्ट मिला लेंगे, और इसके अंदर अपन डालेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी है, ग्रीनरी भी देता है, पौधा शॉक में नहीं जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, चुटकी भर डाल दीजिए या आधा चम्मच ये भी डाल सकते हैं आप। और मैं इसके अंदर 5-10 दाने ये यूरिया के डालूंगा। यूरिया क्या, नाइट्रोजन का बहुत रिच सोर्स है, तो इससे क्या पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ लेगा और बहुत अच्छा सेट भी होगा। ये थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर आप ज़रूर ऐड कीजिए अपने पोटिंग मिक्स में। मैं ये 1 चम्मच के करीब, आधा चम्मच के करीब ये पोटिंग मिक्स के अंदर फंजीसाइड पाउडर डाल देता हूँ, जिससे क्या इसकी रूट वगैरह में कोई फंगस नहीं लगेगी। आप इस किसी टूल की सहायता से अपना पोटिंग मिक्स तैयार कर लीजिए। ये मैं इसको 10 इंच के गमले में लगा रहा हूँ। गमले के बॉटम में होल होना चाहिए, होल को आप किसी भी चीज़ से कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद मैं इसके अंदर आप सावधानी से जो अपना पोटिंग मिक्स अपन ने तैयार किया है वो हाफ भर लीजिए। भरने के बाद में क्या कीजिए, आप जो ये नर्सरी से पौधा लेके आए हैं इसकी ये जो पॉली बैग है उसको हटा दीजिए। सीजर की सहायता से भी हटा सकते हैं, हाथ की सहायता से भी हटा सकते हैं। सावधानी से हटाइए, रूट बॉल डैमेज ना हो इसका। और अगर आप थोड़ा ध्यान से बिल्कुल हल्के हाथ से इसके थोड़ी सी ये रूट अगर आप इसको ढीला करने चाहें तो थोड़ी सी मिट्टी इसकी बिल्कुल हल्के हाथ से निकाल दीजिए, ज़्यादा रूट बॉल इसका ना छेड़ें। और इसको आप बिल्कुल तरीके से हल्के हल्के हाथ से मिट्टी थोड़ी बहुत हटा लीजिए, ज़्यादा हटाने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल सेंटर में इसको आप बिठा दीजिए। बिठाने के बाद में क्या करना है आपको, जो साइड में जो स्पेस बचा है उसके अंदर वही जो अपना पोटिंग मिक्स है वो सावधानी से चारों तरफ इसके लगा दीजिए। और ये बहुत ही अच्छा फूल खिलता है इसका, रेनुनकुलस का आपने देखा होगा। और इमीडिएट आप इसको वाटरिंग कर दीजिए, और एक दिन शेड में रखिए और बाद में इसको सनलाइट में रख सकते हैं। तो बस ये आसान सा तरीका है, लगाइए रेनुनकुलस आप अपने गार्डन में, ज़रूर इंक्लूड कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट आप करेंगे तो और भी कोई क्वेरी होगी आपकी तो मैं उसका जवाब दूंगा। ये पीले कलर का एक और है, इसको मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। तो मिलते हैं उस दिन बाद एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।